कि प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज 37वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। लगभग 42 किलोमीटर की यह दौड़ प्रयागराज के आनंद भवन से प्रारंभ होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त हो गई। मैराथन दौड़ में पूरे देश भर से 560 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 480 पुरुष और 80 महिलाएं। इस मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि यह मैराथन दौड़ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है। इस दौड़ के विजेता को प्रथम पुरस्कार में 2 लाख, द्वितीय विजेता को 1 लाख और तृतीय स्थान पाने वाले को 75,000 रूपये पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे। जो हमारी जो है इंदिरा गांधी मैराथन का कार्यक्रम का आयोजन है, ये निरंतर 37 वर्षों से लगातार हो रहा है। ये आयोजन देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद सन 1985 से प्रारंभ हुआ है, उनकी स्मृति में, और उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को निरंतर कर रही, उसी के क्रम में ये आयोजन हुआ है। ये मैराथन देश की सबसे बड़ी मैराथन है और इसमें प्रतिभाग करने के लिए देश भर से खिलाड़ी आते हैं। इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अन्य 10 लोग खिलाड़ी ऐसे होंगे, उनको पुरस्कार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार देगी। प्रथम को 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1 लाख रुपए, तृतीय को 75,000 और जो 10 ऐसे होंगे उनको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि देगी। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है और हमारा खेल विभाग इस आयोजन को निरंतर 37 वर्षों तक करते चला आ रहा है।